अब इससे पहले पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में हमने जो पॉइंट चार्ज में से चार्ज लिया हुआ था और इसका इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो निकाला था, एंड द रिलेशन वॉज वी पी इज इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। ये वैल्यू हम निकाल चुके थे। अब एन डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, तो अब हम ये डायग्राम बनाया। इसमें ये देखिए हमने क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन जो है हम डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं। दीज आर द डिस्क्रीट एन पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब पी है पॉइंट वेयर वी आर सपोज टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। आपने पोटेंशियल निकालना है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ एन रिस्पेक्टिव चार्जेस फ्रॉम पॉइंट पी। पी पॉइंट से ये एन रिस्पेक्टिव चार्जेस का दूरी है। ये देखिए ये आर वन हो गया, ये आर टू डिस्टेंस पे हो गया, ये आर थ्री डिस्टेंस पे, आर फोर डिस्टेंस पे, आर एन डिस्टेंस पे। ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब अप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, principle of superposition for a group of charge, V will be equal to what? पहले वाले के कारण plus दूसरे वाले के कारण plus तीसरे वाले के कारण plus dot 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 nth charge के कारण कितना potential हो रहा है point P पे, and this will be equal to what? जनरल हम फॉर्मूला बार बार मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। हमेशा याद रखना है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होता है दैट इज ऑलवेज गिवन एज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। ये हम हमेशा लिखते हैं। सो यहाँ पे भी वही करेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन कितनी दूरी पर है, आर वन, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q2 upon R2 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q3 upon R3 plus dot 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 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Qn upon Rn. It's very simple. इसको जनरल इसमें लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon 0 सबके पास है, समेशन का निशान ऊपर Qi नीचे Ri है ना, where I is equal to 1 to n. This is the general formula which you should remember. The potential at point P due to discrete charges given as like this. Okay. Then if the charges have certain position vector, तो आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा. O is the origin. O आपका origin हो गया of Cartesian coordinate system, ठीक है। Q1, Q2, n charges in the system, R1, R2 क्या होगी, position vector, position vector of n respective charges. हमेशा याद रखिए एरो से हम लिखते हैं दैट दिस इज आर वन वैक्टर, ये हो जाएगा आपका आर टू वैक्टर, ये हो जाएगा आपका आर एन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर्स हो गए। और पॉइंट पी जहाँ पर पी एस वॉट, पी एस पॉइंट where we are supposed to calculate क्या कैलकुलेट करना है हमने, पोटेंशियल।
आपने पोटेंशियल जो है वो निकालना है इसका इधर पे. सो आर ज़ीरो वैक्टर ले लेते हैं, ये हो गया पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी. पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर जो ये आर ज़ीरो है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वैक्टर. अब ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी, अगर इसका नाम हम यहाँ रख देते ए, ये बी, ये सी, तो ए पी डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर करते. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू आपका किसके कारण होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस डॉट 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 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज. दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट चार्ज के लिए कितना हो जाना था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो. चार्ज कितना है, क्यू वन चार्ज है, कितनी दूरी पर है, ए पी दूरी पर है, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो. क्यू टू कितनी दूरी पर है, बी पी दूरी पर है, प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो. और ये कितनी दूरी पर है आपका क्यू एन, ये आपका सी पी दूरी पर है. तो ये डिस्टेंस ये हो गया. अब ये इसकी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी. अब ये कितना है, ट्रायंगल लॉ से ही निकालोगे. सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू वन अपॉन ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए से पी की डिस्टेंस, ये इसकी बात हो रही है. तो अगर ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये वाला ट्रायंगल देखो आप, कौन सा ओ ए पी, तो ये इसके पीछे पीछे जा रहा है, यानी आर वन प्लस ए पी इज इक्वल टू आर ज़ीरो. सो दिस विल बी योर आर ज़ीरो माइनस आर वन. कहाँ से आया, ट्रायंगल लॉ से, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू टू अपॉन आर ज़ीरो माइनस आर टू वैक्टर, ठीक है. इन सब के मैग्नीट्यूड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस कितना है, ये चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लस डॉट 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 वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू एन आर ज़ीरो वैक्टर माइनस आर एन वैक्टर, ठीक है. और ये कहाँ से आए हैं, ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ से आप लेकर आए. दिस इज इक्वल टू व्हाट, सबके पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो है, समेशन यहाँ पे है, क्या होगा क्यू आई ऊपर है, नीचे क्या है आर ज़ीरो माइनस आर आई. इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देखो आर ज़ीरो माइनस आर वन, आर ज़ीरो माइनस आर टू, आर ज़ीरो माइनस आर थ्री. आई कहाँ से कहाँ तक है, वन टू एन है. सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस हैविंग पोजिशन वैक्टर्स. पोजिशन वैक्टर पे होंगे तो ये इस तरह से निकलेगा. यहाँ डिस्क्रीट थे, पोजिशन वैक्टर नहीं थी, वो फॉर्मूला था. इसमें सिर्फ मेन चीज़ याद रखनी ट्रायंगल लॉ, बिकॉज योर यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड के लिए लिख देती हूँ, दैट इज़ ओ ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर, ट्रायंगल लॉ. सो ओ ए इज़ वॉट, दिस इज आर वन प्लस ए पी इज इक्वल टू आर ज़ीरो वैक्टर. सो ए पी इज इक्वल टू आर ज़ीरो वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर. ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये चीज़ निकाली हुई है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस लेक्चर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ चुके हैं पहले. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, टू एल इसका डिस्टेंस लेते थे, इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल. अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पास एक कोई पॉइंट है, वहाँ आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज वी हैव, ये लीजिए आपका, ये हो गया एक चार्ज यहाँ है, चार्ज ये रहा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल ए एंड बी पॉइंट पर. ओ इसका सेंटर है और यहाँ इसके पास एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट पी वेयर वी आर सपोज टू फाइंड द
और आई विल टेक इट एज दिस इज अ पॉइंट से एम जहां हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो दिस इज योर लेट माइनस क्यू प्लस क्यू टू इक्वल एंड टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल देन ओ सेंटर ऑफ डायपोल दिस 2L लेंथ ऑफ डायपोल M पॉइंट नियर द डायपोल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जहाँ निकालना है. थीटा इज द आर इज पोजिशन डिस्टेंस आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ओ थीटा एंगल मेड बाय आर विद रिस्पेक्ट टू डायपोल स्मॉल पी डायपोल मोमेंट. सो दैट इज द स्ट्रेंथ. ये क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज एंड टू द लेंथ. दिस इज व्हाट डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ को ये डायरेक्टेड होती है. दिस थीटा इज द एंगल. नाउ व्हाट विल डू इज विल रिजॉल्व दिस डायपोल मोमेंट पी इनटू टू कंपोनेंट्स सच दैट वन पोजीशन इज दिस. दिस कंपोनेंट विल टेक इनटू अकाउंट और not only resolving it here, what we'll do is let R1, R2 be the distance. This point, A point. This is R2, this is R1. R1, R2, distance of point M from minus Q and plus Q respectively. Okay. Now I'll draw a perpendicular from here rather than reason. I'll draw a perpendicular from this on the extended side at C and another perpendicular from this such that this side is equal to this side and this complete side is equal to this complete side. So let us draw a perpendicular from A on extended side MO, that is AC, such that MA is equal to your MC and a perpendicular, this is say BD, perpendicular BD such that MD is equal to your MB.
एम ए इज इक्वल टू एम सी. दिस इज वॉट वी हैव. नाउ दिस लेंथ, दिस साइड इज दिस, दिस पार्ट इज एल, दिस पार्ट इज ऑल्सो एल. दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. सो बेस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा. सो दिस इज एल कॉस थीटा दिस पार्ट. ठीक है. दिस एंगल इज थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो एल कॉस थीटा. यहाँ से लेके यहाँ तक. नाउ वॉट विल डू इज नाउ पोटेंशियल एट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच. 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर फ्रॉम डिस्टेंस राइट. एंड ड्यू टू प्लस क्यू इट विल बी वी. वी प्लस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन प्लस क्यू अपॉन आर टू. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Using principle of superposition.